हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज अपनी बाइक नहीं स्टार्ट हो रही, मैंने तकरीबन महीने के बाद इसमें सेल्फ मारी और ये स्टार्ट नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो अभी देखते हैं, ये इसकी मैंने बैटरी बॉक्स खोल रखा है, ये बैटरी बाहर नहीं आ रही है, तो इसकी सीट निकाल के देखता हूँ, फिर इसको कार से जंपर मार के देन स्टार्ट करके देखेंगे। ये मैं जंपर लेके आया हूँ मार्केट से, भाई जिनके पास भी हार्ले हैं ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी रहना, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है, देखते हैं अभी क्या बनता है अपना। होपफुली बैटरी गई है इसकी, सेल्फ नहीं उठा रही बिल्कुल भी, मतलब टक 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 ऐसे करने लग जाती है, ये देखो जब इसको ऑन करते हैं और जब सेल्फ मारते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है, बस दब गई सेल्फ। तो अभी देखते हैं जंपर मार के बात बन जाए शायद कुछ। ये बैटरी इसकी बाहर नहीं आ रही यार, वैसे हार्ले वालों को ना इजी एक्सेस देनी चाहिए इन चीज़ों की। ये लो जी दोस्तों, तो खोल दिया बाइक की मैंने ये सीट अपनी, अब देखते हैं इसमें जंपर मार के क्या बनता है। और इन्होंने इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल कवर भी नहीं करा हुआ हार्ले वालों ने। तो गाइज ये मैंने लगा दिया जंपर, नेगेटिव को कार के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है और पॉजिटिव को कार के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं सेल्फ मार के बात बनती है या नहीं। इसका फ्यूल पंप जय बापे की हो जा स्टार्ट। होगी स्टार्ट, ये दोस्तों अब इसको वापस से करते हैं पैक जल्दी से और लेके चलते हैं इसकी बैटरी चेक करवाने। तो गाइस बाइक कर दिया मैंने पैक, अब इसको लेके चलते हैं इसकी बैटरी चेक कराने जल्दी से। सीट वगैरह लगा दिया है, इसका साइड का बैटरी कवर खोलना पड़ता है अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो। ये बैटरी कवर है, ये थोड़ा खींच के बाहर आ जाता है, इसमें क्लिप से लगे होते हैं, वो थोड़ा खींचो तो बाहर आ जाते हैं और नीचे से निकल भी जाता है थोड़ा उठा के, मतलब थोड़ा आराम से तसल्ली से अगर ज़रूरत पड़े कभी देखोगे तो पता लग जाएगा। तो चलते हैं इसको चेक कराने जल्दी से। तो गाइस बड़ी मुश्किल से करी है बाइक स्टार्ट, मैं इसे बंद करके दोबारा चेक करने का मन भी नहीं है मेरा। तो पीछे हो गया अपनी बाइक स्टार्ट, अब चलते हैं हम मार्केट में और कराते हैं इसके बैटरी का चेकअप। तो दोस्तों हार्ले को निकल पड़ा मैं मार्केट में फटाफट लेके जाने के लिए, और तभी रास्ते में मुझे दर्शन हुए ये डॉगो जी महाराज के, राइडर्स का बिगेस्ट फियर, अचानक से डॉग सामने आ जाते हैं। तो गाइज मैं लेके गया बाइक को सेक्टर 21 जहाँ पे है वर्मा वोटर्स, जो कि डील करते हैं ऑल काइंड ऑफ बाइक्स में। गाइस एग्जॉस्ट चेक करो इस बाइक के, ये देखो ये देखो गाइस वेनेसाइंस के शोर शॉट्स लगे हैं इनमें, इनकी आवाज़ बहुत बेस्ट आती है भाई हार्लेज में। मेरा भी मन तो है ये लगवाने का, बट चंडीगढ़ में ये लगा के बाइक चलाना मतलब एक बहुत मुश्किल टास्क है, पर आवाज़ इनकी सुपर है भाई, किसी ने जब भी लगवाने हो ना ये लगवाना है।
श्योर शॉट मैंने साइंस के दो शेप में आते हैं, एक ऐसी शेप एक नीचे की तरफ को होते हैं। तो गाइज इन्होंने मुझे तीन टाइप की बैटरीज सजेस्ट करी थी। एक थी 2200 रुपए के आसपास की जो कि नॉर्मली थी, और एक थी 3500 रुपए के आसपास की जो कि मैंने बाइक में डलवाई है एमरॉन की, जिसकी परफॉर्मेंस कहते हैं वेल टू डू है। और एक थी 7-8 हज़ार की जो हाई एंड थी। बाकी इन्होंने सजेस्ट करा मुझे कि 3500 वाली सही काम करती है, और क्योंकि बाइक इतनी ज़्यादा चलती नहीं है हार्ले तो चांसेस रहते हैं बैटरी ख़राब होने के, तो इसलिए मैंने 3500 वाली डलवाई कि इनकेस ख़राब भी होगी तो इतना पिंच ना हो। तो गाइज़ एक बारी तो मेरा मूड ऑफ हो गया था कि ले भाई मोटा खर्चा छिड़ गया, पता नहीं क्या हो गया बाइक में, बट अब बैटरी वगैरह डलवा ली है, अब मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो गया हूँ और ठीक है जेन्युइन प्राइस में डल गई। मुझे लग रहा था भाई अच्छा खासा खर्चा छिड़ गया, 15-20 हज़ार तो आराम से लगेंगे, पर यह था कि सस्ते में निपट गए हम।